माननीय सदस्य गण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूं। मैं ये भी प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्तुत करता हूं कि हरियाणा नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय स्थानीय निकाय मंत्री नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए।
प्रसन्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूं। मैं ये भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। मैं भी मेरी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, पूरे सदन का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐतिहासिक बिल पास किया। माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पंचायती राज अमेंडमेंट जो आज हम लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर तीन बहुत बड़े निर्णय हैं। जैसे पिछली बार एजुकेशन एक बहुत बड़ा निर्णय था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, इस बार हमारी विधानसभा महिलाओं को 50% हिस्सेदारी, रिजर्वेशन नहीं, हिस्सेदारी ऑड इवन नंबर कर पंचायतों में देने का काम करेगी। वहीं जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस है BCA, उसके लिए 8% रिजर्वेशन तमाम पंचायती, 8% या मिनिमम 2 सीट तमाम सरपंचेस की पोस्ट पर, तमाम
ब्लॉक समिति की पोस्टों पर और तमाम जिला परिषद की पोस्टों पर हम रिजर्व करने का काम करेंगे। और तीसरा जो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आज हम करेंगे, राइट टू रिकॉल का, जिसके अंदर 50% ग्राम सभा में अगर लिखित तौर पर देते हैं कि किसी मेंबर जिला परिषद, मेंबर ब्लॉक समिति या मेंबर सरपंच अगर किसी के खिलाफ राइट टू रिकॉल लेकर आना है, तो उसके बाद सीक्रेट वोटिंग उस वार्ड में या उस पंचायत में कराई जाएगी। अगर 67% 2/3 से ज़्यादा लोग उसके खिलाफ वोट करते हैं तो उसको राइट टू रिकॉल के तहत उस पोस्ट से हटाया जाएगा। ये तीन संशोधन है, मैं इसे आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का ये दिन मैं वास्तव में समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हमने बहुत ऐसी चीज़ें की हैं जिनका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बड़ा महत्व है। जैसे अभी ये जो महिलाओं के नाते से हमने जो बिल पारित किया है, इसको एक्ट बनाया है, वैसे तो पहले भी 33% का ये एक रिजर्वेशन पहले था, और उस 33 के रिजर्वेशन में वास्तव में जो संख्या जाके बनती थी, चाहे वो पंचायतों में थी अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद, उसमें 41% से 43% तो हो जाती थी, क्योंकि उसका जो फार्मूला है वो हर गांव का अलग अलग बना करके संख्या उसमें बढ़ती थी। कुछ जनरल सीटों पर भी महिलाएं आकर के चुनाव लड़ती थी, वो भी संख्या बढ़ती थी। अब उसी में और आगे बढ़ने के लिए जब ये आया कि महिलाओं की वास्तव में जो संख्या है समाज की आधी संख्या है, तो कम से कम आधी संख्या तक पहुंचा जाए, ध्यान आया कि अगर रिजर्वेशन करते हैं तो फिर ये आधी से 60 और 65% तक भी जा सकता है। तो इसलिए एक प्रयोग किया हमने ये, और ये अपने ही प्रदेश में प्रयोग किया है कि 50% भागीदारी की है, कहीं ऐसा ना हो कि हम समानता लाने के चक्कर में और दूसरी तरफ लिंग की असमानता की तरफ चले जाए, और फिर वो समानता असमानता हो जाए तो कल को पुरुष कहेंगे हमारी भी रिजर्वेशन करो। तो उसका एक बैलेंसिंग फार्मूला निकालते हुए इस प्रयोग को किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ अगर ये प्रयोग अच्छा सिद्ध हुआ तो देश के बाकी प्रांत भी इसको हो सकता है इसको अडॉप्ट करेंगे। ऐसे ही जब पिछड़ा वर्ग के समाज में हम सोचते हैं तो उसमें भी दो हिस्से हैं उसके, पिछड़ा वर्ग का और ख वर्ग के। हमारे सारे ही जितने 6 जातियां हैं वो ठीक है, संपन्न हैं, अपने अपने एरिया में बहुमत भी रखती हैं, और उनमें उतनी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उन स्थानों पर जहाँ बहुमत है वहाँ अपने रेशो से भी ज़्यादा प्रभावी जाति के नाते से आ जाते हैं। लेकिन जो BCA है यानी पिछड़ा वर्ग का, इसका प्रतिनिधित्व तो सब जगह एक प्रारंभ में सदस्य के नाते से पहले पंचायतों में था, केवल पंचायत के सदस्यों में, अब उसको हमने जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य ये उसमें किया है। और जो पंचायतों को सरपंच भी हम ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, उसके लिए भी जो पंचायती राज अधिनियम में हमने कुछ संशोधन किया है, उसमें पंचायत को किस प्रकार से अधिकार ज़्यादा मिले, हमारे प्रदेश की पढ़ी लिखी पंचायतें होने के कारण से बहुत उसके लाभ हो रहे हैं, और उसमें कई पैरामीटर्स पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पंचायतों को शक्ति ज़्यादा दी जाए, और जितना डिसेंट्रलाइज हम कर सके चीज़ों को लगातार कर रहे हैं, चाहे वो शहरी स्थानीय निकाय हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अलग से जिलों में हमने CEOs बना दिए हैं ताकि पंचायत राज व्यवस्था में CEOs का एक प्रभावी एक रोल हो करके, और वहाँ सारी चीज़ें लोकल हो जाए। ऐसे ही शहरी में भी हमने DMCs डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, ये अलग से व्यवस्था खड़ी की है ताकि हम इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से और प्रभावी बना सकें। आज जो अच्छी बात नहीं रही, हमारे विपक्ष के लोग अब वो पूरे प्रदेश में इस प्रकार की जैसी चर्चा करते थे कि 3 जो बिल हैं वो किसानों के यानी हित में हैं या नहीं हैं, इस प्रकार की चर्चा वो बाहर जाके करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा जर्मनी में हिटलर्स के जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गोएबल्स, और गोएबल्स की एक सिद्धांत था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सत्य बन जाता है। कभी कभी इनको भी लगता है शायद ये मानस पुत्र गोएबल्स के ही होंगे कि जो बार बार झूठ बोल करके किसानों का ये हो जाएगा किसानों का वो हो जाएगा। बराबर लगातार 1 महीने से प्रोक्योरमेंट भी चल रही है, मंडियां भी हैं, MSP भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आज हमने उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव देने की बात की तो बिना चर्चा के और वो एक प्रकार से बाहर चले गए, या व्यवधान डाला इतना ज़्यादा
कि पहली बार ये महसूस हो रहा है कि कोई एक विषय जिस पर सत्ता पक्ष चर्चा करना चाहता है और विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, ये कभी, जैसा हमारे कंवरपाल जी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक उदाहरण शायद ही कभी पहले ऐसा आया हो। अच्छी बात नहीं लगी, फिर भी मैं चाहे विपक्ष नहीं बैठा तब भी अपने सब मित्रों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि हमारे जो ये तीनों कानून हैं ये किसान के हित में हैं और इससे निश्चित रूप से किसान की जो आय है वो डबल होगी। बाकी भी जो विषय जितने आए उस सब के ऊपर बहुत अच्छे प्रकार से हमारे अध्यक्ष महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने एक अच्छी चर्चा कराई और सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। दो दिन का हमारा ये जो प्रोलॉन्ग्ड जो एक सेशन था, प्रोरोग सेशन, ये प्रोरोग सेशन ही आज संपन्न हुआ। इसमें जितने भी विधानसभा के कर्मचारी हैं उन्होंने सबने सहयोग किया। इस अवसर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।